गाइस हम लोग निकल चुके हैं। पहले हम जाएंगे गिरजा देवी मंदिर, उसके बाद वहाँ पे माता रानी के दर्शन करके लौटते हुए हनुमान धाम होते हुए सीधे रिटर्न घर को। और अभी हमने बन्ना खेड़े क्रॉस करा है, और ये गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस रोड पे पहले आते थे तो यहाँ से बैल पड़ाव पहुँचने तक बिल्कुल समय चेहरा हो जाता था। काम किया है, तैयार हो गया भैया। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं छोई पुल, जिसे कह सकते हो आप। छोई में ये पुल है हनुमान धाम पे थोड़ा पहले। ओह क्या लोकेशन है भाई, देखो क्या लोकेशन है दोस्तों। और अगर इधर की तरफ देखते हो टोटल पहाड़ देखो आपको नजर आएंगे सामने। यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, नदी के ऊपर से सारे पहाड़ हैं। क्या लोकेशन है यहाँ पे, ज़बरदस्त लोकेशन है भाई। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं छोई पुल पे, और थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं, उसके बाद चलेंगे। आराम क्या करना, मतलब थोड़ी दो चार फोटो वोटो खींच लेते हैं और फिर चलते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पर लोकेशन है, देखो हमारे पीछे इधर सामने देखो सारे टोटल, इधर से पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं सामने, छोटे छोटे पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। और बस थोड़ी देर यहाँ पर रुक के फिर निकलते हैं हम गिरजा मंदिर के लिए, क्योंकि फिर घर भी आना भाई वापसी। अगर दोनों जगह जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, और दूसरा मैंने शाम को जो है कि ड्यूटी भी जाना है आने के बाद। देखो क्या लोकेशन है यार, बड़ा अच्छा यहाँ पे लग रहा है, बढ़िया वातावरण है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से गिरजा है लमसम कम से कम 20 किलोमीटर करीब है। तो पहले गिरजा जाते हैं, उसके बाद फिर लौटते हुए हनुमान धाम में दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधे घर। ठीक है दोस्तों बने रहिए। पहुँच चुके हैं दोस्तों हम जय गिरजा माता की, और मंदिर अभी हमारे देखिए सामने है। ये देखिए भाई कांच की तरह पानी बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे, यह है पहाड़ों का स्रोतों का शुद्ध पानी। तो हम गिरजा पहुँच चुके हैं, और ये देखिए क्या मस्त लोकेशन है भाई, नज़ारा ही आ गया भाई। और ये रहा हमारा माता रानी का मंदिर, अभी हम वहाँ पे पहुँचते हैं थोड़ी देर में। जय माता दी, जय माता दी। तो आओ दोस्तों कभी आया करो उत्तराखंड, उत्तराखंड में काफ़ी सारे मंदिर हैं भाई, मंदिर ही मंदिर हैं यहाँ उत्तराखंड में, ये है ना देवों की भूमि। हाँ भाई मौसम भी ठीक ही हो रहा है भाई, धूप है, और जैसे कि पिछली बार हम आए थे तो उस टाइम शायद हम नवरात्रों के टाइम में आए थे, तब तो इतनी भीड़ थी यहाँ से कम से कम मंदिर से कई, और उधर जहाँ पीछे देख रहे हो वहाँ तक की लाइन लगी हुई थी, और अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाए थे। और इस बार तो भाई ठीक है, वैसे दर्शन करना हो तो इसी टाइम में आना चाहिए, बिल्कुल कोई ना भीड़ ना कोई ज़्यादा इतने लोग भी नहीं है, अच्छे से माता रानी के दर्शन करो और उसके बाद। ठीक है दोस्तों अभी लगते हैं हम भी इधर लाइन में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत लोग तो हैं जो लाइन में लगे हुए हैं माता रानी से
प्रसाद ग्रहण करके उनका आशीर्वाद लेने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई पहुंच चुके हैं मंदिर में, ये देखो दोस्तों यहाँ पे सारे पहाड़ हैं और ये नीचे खूब सारी दुकानें हैं। पहुंच चुके हैं भाई, ये देखिए भाई हम कितनी ऊंचाई में चढ़ गए हैं। अभी उधर उस पार भी मंदिर है, पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं उसके बाद उधर भी जाएंगे। और देखो सब पार जाके भी मंदिर है पहाड़ों पे। जय माता दी दोस्तों, अभी एक चक्कर लगा लेते हैं हम यहाँ का, फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे मंदिर में। दर्शन हमने माता रानी के कर लिए हैं और कहते हैं यहाँ पे गांठ जो बांधते हैं, गांठ बांध के अपनी कोई भी मनोकामना मांगनी हो तो वो अवश्य पूरी होती है। उसके बाद आके यहाँ पे गांठ खोल दो। हमने भी पिछली बार यहाँ पे गांठ बांधी थी, जिसलिए बांधी थी काम हमारा हुआ था, तो आज हमने वो गांठ अपनी खोल दी है। बाकी एक इसका राउंड ले लेते हैं उसके बाद चलते हैं दूसरे मंदिरों में। तो दोस्तों दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं उधर नीचे, भी भैरव बाबा का मंदिर भी है और पीछे भी कई सारे मंदिर हैं, तो उधर पे हम यहाँ से अब जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ पे आके, क्योंकि हम जब भी आए थे हर बार व्रत के टाइम पे आते थे उस टाइम इतनी भीड़ होती थी कि यहाँ पे ये सीढ़ी ऐसे रहती थी कि इसमें पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है और अच्छे से दर्शन भी हो गए माता रानी के। और अब हम चलते हैं नीचे, वहाँ पे करेंगे भैरव बाबा के दर्शन, उसके बाद जाएंगे जो पल्ली तरफ पहाड़ों पे मंदिर है। जय माता दी दोस्तों। अब भाई माता रानी की कृपा की उससे कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, जो जो मेरे अगर वीडियो देखते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, इतने सारे लोगों के बीच में फ़ोन निकाल के वीडियो बनाओ, शर्म भी बहुत लगती है। तो बड़ी मुश्किल से हम एक ब्लॉग बनाते हैं और आप लोग बताओ सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, तो प्लीज़ 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 चैनल को जिनने पिछली बार चलो सोचा होगा अगली बार करेंगे वो इस बार सब्सक्राइब कर दें। माता के दर्शन होने वाला, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी आपकी मनोकामना सब पूरी करेगी। फिर ये उस पार का नज़ारा है भाई, और ये पंडित जी ने हमारे यहाँ पे त्रिशूल और डमरू भी बना दिया है, अब हम भोले के भक्त भी हो गए हैं पक्के वाले, त्रिशूल की मोहर लगा दिया हमें कि हाँ भाई ये भोले के भक्त हैं। और ये गणेश भगवान जी यहाँ पे विराजमान हैं, दे दीजिए जरा थोड़ा साइड हो जाओ, वो गणेश जी हैं दर्शन कर लो भाई। वो तो मंदिरों में भी कभी कभी घूमना चाहिए भाई, काम धंधा होता रहता है, कभी कभी भगवान के दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए। ये है भाई मंदिर के चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच नदी में ये मंदिर बना हुआ है, और कितनी मेरे ख्याल से जहाँ पे इसकी ये हाइट दिख रही है यहाँ यहाँ तक पानी इसमें भर जाता है, पुल को छू लेता पानी, इतना पानी होने के बावजूद भी ये मंदिर टस से मस नहीं होता है। तो ये भाई सब माता की कृपा है। दोस्तों सभी मंदिरों का हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर लगा हमें गिरजा मंदिर आके, और भाई पेट में भूख भी लग रही है तो हम अब कुछ खाने के लिए नीचे जाते हैं, वहाँ पे दुकानें हैं वहाँ पे देखते हैं कुछ क्या मिलता है खाने को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे सब्सक्राइब करें। जय माता दी, बाय बाय।